नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 145 सीआरपीसी के बारे में। दोस्तों 145 सीआरपीसी जो है वो किसी भी अचल संपत्ति के ऊपर में अगर किसी भी प्रकार की झगड़ा होने की संभावना होती है या फिर झगड़ा हो गया होता है उस कंडीशन में दोस्तों जो एरिया के एसडीएम होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास में इस बात का पूरा पावर होता है कि वो जो जमीन है विवादित जमीन उस जमीन को सील किया जाए और दोनों पार्टी से कब्जा लेके कब्जा अपने पास में रखा जाए। दोस्तों 145 सीआरपीसी की जरूरत कब पड़ती है? एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई विवादित जमीन या फिर मकान दुकान गोदाम कुछ भी होता है उसके ऊपर में दो पार्टियां अपना अपना हक जताने लग जाती है और दोनों ही अपने अपने दावे पेश करती है, यानी उनके पास में उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये उनका दावा होता है और उस कंडीशन में दोनों ही उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन जब आती है तो एरिया की जो पुलिस बीट की जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस बात की संभावना तलाशते हैं कि कहीं पे कोई मारपीट ना हो जाए और उस कंडीशन में वो उस प्रॉपर्टी को जो है सील कर देते हैं, यानी दोनों पक्षों को इस बात से अलग कर देते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का हक नहीं जता सकते, यानी आपको इस प्रॉपर्टी का हक जताने के लिए कोर्ट से अपनी टाइटल लेके आनी पड़ेगी, यानी आपको सिविल कोर्ट में जाके अपनी जो टाइटल है अपना जो हक है उसको डिक्लेयर करवा के लाना होगा। लेकिन दोस्तों एसडीएम के पास में इस बात के पावर होते हैं कि वो जो है 145 सीआरपीसी के तहत जो कार्रवाई करते हैं उसमें वो नोटिस देके दोनों पक्षों को अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद में वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो कब्जा था वर्तमान में जब वो झगड़ा हुआ है उस समय कब्जा किसके पास था। अगर उनको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि एक पार्टी के पास में कब्जा था तो दोस्तों वो कब्जा जो है एसडीएम चाहें तो उसको वापस दिलवा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कब्जा ही दिलवा सकते हैं, टाइटल के किसी प्रकार का राइट क्लियर डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके लिए उस व्यक्ति को सिविल न्यायालय में जाना होगा और सिविल न्यायालय में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रूफ करना होगा। 145 सीआरपीसी के तहत में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दिलवाने की कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि जो व्यक्ति उस जमीन पे काबिज था उस व्यक्ति को फिर से वो जमीन वापस दिलवाई जा सकती है अगर एसडीएम उचित समझते हैं तो, अदरवाइज वो जो जमीन है वो सीज हो जाती है, सील हो जाती है और वो जो कब्जा होता है वो उस लोकल पुलिस स्टेशन के पास रहता है और वो जो कब्जा है वो तभी छूटता है जब दोनों पार्टी में से एक व्यक्ति जो अपना टाइटल प्रूफ करके सिविल कोर्ट में लाके एसडीएम साहब को दिखाएं और उसके बाद में वो अपना कब्जा ले सकते हैं। सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है वो एसडीएम की कार्रवाई पे लागू होगी और उसके आधार पर एसडीएम साहब उस व्यक्ति को कब्जा देने के लिए बाध्य या मजबूर होंगे। लेकिन जब तक सिविल कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन कोई भी पार्टी नहीं लाती उस कंडीशन में एसडीएम साहब के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में रखे, अदरवाइज जो भी व्यक्ति अपना कब्जा साबित कर देगा घटना से पहले तो उस व्यक्ति को वो कब्जा दिया जा सकता है। तो इस तरह से झगड़े की संभावना या फिर झगड़ा होने की स्थिति के कारण जो है 145 सीआरपीसी का उपयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों विवादित जमीन पे 145 सीआरपीसी की कार्रवाई के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।